एक बार की बात है, एक चुड़ैल गांव से छोटी बच्ची को लेकर भाग रही होती है। तभी दो गांव वाले बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, अरे रोको इसे, कोई रोको, देखो ये चुड़ैल एक छोटी सी बच्ची को लेकर भाग रही है, अरे कोई रोको इसे। तभी वहां से एक दूर गांव में एक औरत दो बच्चों को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की। जब उसका पिता उन दोनों बच्चों को देखता है तो लड़की को देखकर तो बहुत खुश होता है, लेकिन लड़की को देखकर कहता है, अरे मेरी किस्मत तो फूट ही गई, ये नासपीटी लड़की मेरे घर में कहां से पैदा हो गई? अब कौन इसको बड़ा करेगा, कौन इसकी शादी का खर्चा करेगा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। लड़का तो बड़ा होकर मेरे काम में हाथ बटाएगा और दहेज में भी बहुत कुछ ले ही आएगा। ऐसा करता हूँ, इस लड़की को तो गांव से कहीं दूर ही फेंकाता हूँ, हाँ नहीं तो मैं तो इसे बिल्कुल नहीं पाल सकता। और अपनी पत्नी से भी कह दूंगा कि एक बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। ऐसा कहकर वो आदमी अपने गांव से दूर चुपके से एक खंडर में उस बच्ची को छोड़ आता है और कहता है, हे भगवान, तुमने इस लड़की को मेरे घर में क्यों पैदा कर दिया, अब मैं इसे छोड़कर जा रहा हूँ, तुम ही संभालो इसे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उस खंडर में एक नागिन आती है और देखती है कि किस बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। अरे ये बच्चा कौन रो रहा है, ये तो लगता है कोई इंसानी बच्चा है, रुको जाकर देखना ही पड़ेगा मुझे आखिरकार ये माजरा क्या है। तभी वो नागिन जैसे ही देखती है उस खंडर में तो इंसान की छोटी सी बच्ची वहाँ पर रो रही होती है जोर जोर से। तब नागिन उसे देखकर कहती है, अरे ये इंसान कितने जुल्मी है, इतनी छोटी मासूम बच्ची को यहाँ छोड़ के चला गया, जरा सा भी तरस नहीं आया इसके माँ बाप को, कैसा जमाना आ गया है भला। वो नागिन उसको चुप कराने के लिए बहुत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो बच्ची बिल्कुल भी चुप नहीं होती। तब उस नागिन को सुझाव आता है, वो अपने जादू से एक दूध की बोतल फटाफट से उस बच्ची के मुंह में लगा देती है और बच्ची का रोना बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर दो चुड़ैल आ जाती हैं और कहती हैं, अरे इंसानी बच्चा, इसको तो मैं ही खाऊंगी और खाकर बिल्कुल जवान हो जाऊंगी, लाओ नागिन तुम इसे मुझे दे दो, ये मेरी खुराक है, तुम इसे नहीं ले सकती। नहीं, इसका कोई माँ बाप नहीं है और अब से ये मेरी बेटी रहेगी, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी, पाल पोस कर बड़ा करूंगी, अच्छे स्कूल भेजूंगी। नागिन और चुड़ैलों में भयंकर युद्ध हो जाता है और नागिन अपनी जादुई शक्ति से उन दोनों चुड़ैलों को वहां से मार कर भगा देती है। इसके बाद वो नागिन उस छोटी सी बच्ची को लेकर धरती लोक की तरफ ले जाती है और वहां पर एक बड़ा सा घर लेकर अपना वेश बदल कर उसका पालन पोषण करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो लड़की बड़ी हो जाती है तो वो उसको स्कूल भेजती है आगे की पढ़ाई के लिए। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की का पिता बहुत समय से खेतों में खेती करता रहता है, लेकिन उस बंजर जमीन पर एक भी अन्न का दाना उगता ही नहीं है। तभी वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे भगवान, कब से इस जमीन को जोत रहा हूँ पर अब तक एक भी फसल नहीं उगी है, और दूसरी तरफ मेरा बेटा मेरी किसी काम में मदद नहीं करता, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई थी जो मैंने अपनी बच्ची को फेंक दिया। वहीं दूसरी ओर वो स्कूल में पढ़ाई में सबसे अव्वल होती है और पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लग जाती है। सारे गांव वाले आपस में कहते हैं, अरे भाई सुनते हो, उस लड़की ने तो हमारे गांव का नाम दूसरे शहरों तक में रोशन कर दिया है, इतने नंबर आते हैं उसके कि शहर के बच्चे भी पीछे रह जाते हैं, बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे गांव में आई। तभी अगले दिन वो बच्ची अपनी नागिन माँ के साथ कहीं जा रही होती है, तभी दूर से चुड़ैल उसको देख लेती है और कहती है, इन दोनों माँ बेटी को तो मुझे अलग करना ही पड़ेगा, जब ये अलग होंगी तभी इस लड़की को खाकर मैं जवान हो पाऊंगी, इसकी तरकीब मुझे सोचनी ही पड़ेगी।
ऐसा करने के बाद चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है और उस लड़की के पास जाती है और कहती है, तुम्हारे ये असली माँ बाप नहीं है, तुम्हें पैदा किसी और ने किया था। ये तो नागिन है जो तुम्हें उनसे छीन कर अपने पास ले आई है। ये बातें सुनकर लड़की तुरंत अपनी माँ के पास जाती है। माँ, तुमने जिंदगी भर मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हारी बेटी नहीं थी। तुमने मुझे जबरदस्ती मेरे माँ बाप से छीन कर अपने पास रख लिया। तुम बहुत बुरी हो माँ, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ अपने असली माँ बाप के पास। ये कहकर लड़की वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी वो चुड़ैल उसे देख रही होती है। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। तभी वो लड़की अपने असली माँ बाप के घर के वहाँ पहुँचती है और देखती है कि उसके माँ बाप बहुत ज्यादा गरीब हैं और उसका भाई बहुत ही ज्यादा निकम्मा, जो सिर्फ रोज के रोज बिस्तर तोड़ता रहता है और अपने पिता की कोई मदद नहीं करता। तभी वो लड़की ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वापस लौटने ही लगती है कि तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और उसको पकड़कर भागने लगती है। तभी उसके माँ बाप, जो उस लड़की को जानते नहीं होते, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, अरे देखो भाई, इस बच्ची को चुड़ैल लेकर भाग रही है, अरे कोई बचाओ इस बच्ची को, अरे कोई तो सुनो। तभी वहाँ पर नागिन आ जाती है और ये देखकर वो अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल से लड़ना शुरू कर देती है और उसकी शक्तियों से चुड़ैल अधमरी होकर जमीन पर गिर पड़ती है। तभी वो चुड़ैल मरने से पहले उस लड़की को कहती है, अरे ये तुम्हारे असली माँ बाप बहुत बुरे हैं, तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हें अपने ऊपर बोझ समझकर इन्होंने तुम्हें खंडन में छोड़ दिया था और तुम्हारी नागिन माँ ने ही तुम्हें बचाया है। अगर नागिन माँ आज नहीं होती तो तुम जिंदा भी नहीं होती। ये सब बातें सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असली माँ बाप से कहती है, अगर तुम लोग मुझे पाल नहीं सकते थे तो पैदा ही क्यों किया, मरने दिया होता मुझे। अगर तुम लोग मुझे पाल नहीं सकते थे तो मुझे इस दुनिया में लेकर आने का हक भी तुम्हारा नहीं था। और ये कहकर वो गुस्से में अपनी नागिन माँ के साथ चली जाती है। तभी उसके माँ बाप बहुत ज्यादा पछताते हैं और कहते हैं, अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सीता, मैंने तुमको तुम्हारी बेटी के बारे में झूठ बोला था कि वो मरी हुई पैदा हुई है, बल्कि मैं ही उसे जिंदा को उस खंडर में छोड़ आया था क्योंकि मैं उसे अपने ऊपर बोझ समझता था। और आज देखो, जिसको मैं बोझ समझता था उसने गांव में, शहरों में, सब में मेरा नाम रोशन किया है और एक ये जो लड़का, ये बिल्कुल नालायक निकला। तभी कहते हैं कि लड़का और लड़की को अलग नहीं समझना चाहिए। मेरी एक भूल के कारण आज हमें इतना पछताना पड़ रहा है, हमारी बच्ची भी हमें छोड़कर चली गई। रामपुर नाम के गांव में एक घीसाराम नाम का कपटी और छलिया आदमी रहता था। वो छल करके पैसा कमाता था। सबके साथ धोखाधड़ी तो उसका बिजनेस था, पर पूरे गांव में उसे सब जानते थे और इसलिए उसने एक नई तरकीब निकाली। उसने एक रोबोट की भैंस बनाई। अब देखता हूँ गांव वाले मुझसे कैसे बचते हैं। अब तो मेरे पास खूब पैसा ही पैसा होगा। हा हा हा। और उसके अंदर खुद बैठकर वो गांव के अंदर घूमने लगा। इसी के साथ उसने अपने दो साथियों से ये भी पूरे गांव में कहलवा दिया, अरे चचा, क्या तुम्हें पता है, हमारे गांव में एक भैंस आई है, वो भी जादुई भैंस, और वो जो भी उसको कुछ भी खिलाता है उसका 10 गुना वापस देती है, पूरा 10 गुना। जादुई भैंस? अरे बेटा, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। भैंस तो हमेशा दूध देने वाली होती है, जादुई भैंस तो आज तक मैंने सुना नहीं। अरे चाचा, अगर हम उसको 1 रुपया खिलाते हैं तो वो पूरे 10 रुपये हमें वापस करती है। आई भैंस रुपये खाने वाली? अरे हाँ चाचा, वो 1 रुपया खाती है और उसका 10 गुना यानी कि 10 रुपये हमें अगले दिन वापस करती है। अच्छा बेटा, तब तो हमारे पूरे गांव के भाग ही खुल गए।
जरा मुझे भी दिखा दो उस भैंस को, मैं भी अपने रुपए उसको खिलाकर 10 गुना करूंगा। हाँ हाँ चाचा, चलो चलो दिखाते हैं तुमको भी। ऐसा कहते हुए वो दोनों पूरे गांव में घूमने लगे। उसने एक अद्भुत सी और लंबी ऊंची काली भैंस बना रखी थी, जो दिखने में और भैंसों से थोड़ी अलग दिखती थी। भैंस जहां भी जाती, लोग उसे देखते कि ये कैसी भैंस है। गांव वालों ने पहले दिन उसे तरह तरह की चीजें खिलाई। एक औरत ने उसे सेब खिलाया, उसने एक सेब खाया और वापस चली गई। अगले दिन जैसे ही वो भैंस आई तो उसने उस औरत को 10 सेब अपना पेट फाड़कर वापस दे दिए। ये सब उस भैंस के अंदर बैठा घीसा राम कर रहा था। ऐसा देखकर वो औरत बहुत खुश हुई और उसने उस दिन उस भैंस को 10 रुपए खिलाए। ऐसे ही पूरे गांव में ये खबर फैलती चली गई कि इस भैंस को अगर कुछ भी दे तो इसका उसे 10 गुना वापस मिलता है। पूरे गांव में किसी ने 10 रुपए तो किसी ने 100 रुपए जिसके पास जितने थे उतने उस भैंस को खिलाए। और घीसा राम ने अगले दिन वापस आकर सबको उसके 10-10 गुना वापस दे दिए। पूरा गांव बहुत खुश था कि ऐसी जादुई भैंस उन लोगों के गांव में आई है। सारे गांव वाले लालच में फंस गए। अगले दिन उन्होंने और भी ज्यादा पैसे भैंस को खिलाए। जिन्होंने 10 रुपए पहले दिन खिलाए थे, अगले दिन उन लोगों ने 1000 रुपए खिलाए। ऐसे कर घीसा राम ने अगले दिन फिर आकर गांव वालों को 10-10 गुना पैसे वापस दे दिए। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और उस भैंस को पैसे खिलाने के लिए पूरे गांव वाले लाइन में लगने लगे। अब घीसा राम ने देखा, अब तो खूब सारे पैसे हो गए हैं। अब ऐसा करता हूँ कि वापस जाता हूँ और अगले दिन आऊँगा ही नहीं। ऐसा सोचकर उसने भैंस के स्टेरिंग को अंदर से मोड़ा और वापस चला गया। अब अगले दिन पूरे गांव वाले भैंस का इंतजार कर रहे थे कि भैंस आएगी और उन्हें 10 गुना पैसे वापस देगी। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि घीसा राम सारे पैसों को खाकर और भैंस को अपने गोडाउन में रखकर बैठ गया था। अब गांव वालों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें लालच नहीं करना चाहिए था। पर एक गांव वाले ने घीसा राम को उस भैंस के अंदर से निकलते हुए देख लिया था। अरे, ये तो गांव का ठग घीसा राम है। अच्छा, तो ये चक्कर है, उसने इस रोबोट भैंस के अंदर घुसकर पूरे गांव को कंगला बना दिया। पर अब वो कर भी क्या सकता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और गांव वाले धीरे धीरे उस बात को भूल गए और उस बात का जिक्र भी गांव में बंद हो गया। अब घीसा राम के भी पैसे खत्म हो चुके थे। उसने सोचा, दोबारा अब वही वाली चाल चलता हूँ। और वो दोबारा से अपनी भैंस के अंदर बैठ गया और गांव में फिर से वैसे ही चला गया। अब उसने दूसरा गांव पकड़ा और उसके चेलों ने फिर से वही खबर सारे गांव में उड़ानी शुरू कर दी कि एक ऐसी जादुई भैंस आई है जिसे अगर आप कुछ भी खिलाते हो या कुछ भी देते हो तो उसका 10 गुना वो वापस देती है। अब उस चतुर इंसान को जिसने घीसा राम को भैंस के अंदर से निकलते हुए देखा था, उसे भी इस खबर का पता चला तो वो दूसरे गांव में चला गया। दूसरे गांव में जाकर उसने देखा कि लोग वहां पर भी लाइन लगाकर इसी प्रकार से उस घीसा राम की जादुई भैंस को पैसे खिला रहे हैं। तो उसने एक चाल चली, उसने एक पानी का रंगीन ऑटोमेटिक गुब्बारा लिया जो रिमोट से फूट जाता था। उसने उसको भैंस को खिलाया। जैसे ही घीसा राम के हाथ में वो गुब्बारा लगा तो उसने बाहर से उसका रिमोट दबा दिया और उसमें से रंग निकलकर घीसा राम के ऊपर फैल गया। वो रंग इतना पक्का था कि उतरने वाला नहीं था। उस रंग को देखकर घीसा राम जल्दी से भैंस से बाहर निकला तो सारे गांव वालों ने देखा कि ये कोई जादुई भैंस नहीं है, इसके अंदर तो ये कपटी घीसा राम घुसा हुआ है। गांव वालों ने खूब उसकी पिटाई की और अपने सारे पैसे सूद समेत वापस लिए
और घीसा राम को सबक सिखाने के लिए पुलिस के हवाले कर दिया।